हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस मैं दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज ना एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 12 का, जिसमें हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपके लेसन 4 का लास्ट टॉपिक, जिसका नेम है ICSI, जिसे फुल फॉर्म इसका होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये लास्ट टॉपिक है बेटा, इसके बाद ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट स्टडी करेंगे जिसका नेम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो चलिए इस टॉपिक को स्टडी किया जाए। टॉपिक है आपका ICSI, इसका फुल फॉर्म आप फर्स्टली लिख लो, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका फुल नेम होगा, फुल फॉर्म होगा आपका इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो बेटा, मैंने आपको बताया है ना, इंट्रा मीन्स क्या होता है, इनसाइड, साइटोप्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, और स्पर्म तो आप जानते हो इट इज द मेल गैमेट एंड इंजेक्शन, और इंजेक्शन यहाँ पर जो यूज होगा वो आपका होगा पिपेट। इंजेक्शन आप जानते हो जिसके थ्रू हम कोई भी ड्रग्स को अपने बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, वो आपका जो होता है वो होता है आपका इंजेक्शन। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यहाँ पर क्या होगा, जो ओवम होगा उसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्लियर हो रहा है बेटा? ये उस समय कराया जाता है जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है और फर्टिलाइजेशन वहां पर होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो उस टाइम आप ये भी टेक्निक यूज कर सकते हो जो ART के अंतर्गत आता है बेटा। मैंने आपको बता दिया है ART के अंतर्गत हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको मैंने आपको बताया था ART का फुल फॉर्म असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया था ना, उसमें IVF मैंने आपको बताया था, तो ये भी एक टाइप का IVF ही है, क्योंकि यहाँ भी जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होगा, इसलिए अगर आपसे बोला जाए कि ICSI तो आप ये बता सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ IVF। क्लियरली बता दो बेटा, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ IVF, याद है ना बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद रखना बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF को क्या बोलते हैं बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद रखना बेटा। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ IVF, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है बेटा। IVF में जो जीफ आप स्टडी किए थे वहां पर था ना, स्पर्म और ओवम को दोनों को मिक्स कर दिया जाता था, एक पास लाया जाता था और उसके बाद स्पर्म फ्यूज करता था ओवम को और जायगोट फॉर्म होता था, ये बातें आपको मैंने बताया है ना जीफ्ट में। लेकिन यहाँ के केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपके एक ओवम को फ्यूज करने के लिए मिनी स्पर्म की नीड नहीं होगी। होता है ना कि मिनी स्पर्म को हम नीड होती है, जिसमें से कोई ना कोई एक चांस होता है कि फ्यूज कर जाए, बट इस केस में आपके मिनी स्पर्म की नीड नहीं होती। अगर आपके पेपर में पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन ICSI एंड जिफ्ट, पूछ सकता है,
आप ये आंसर देना। वहां पर मिनी स्पर्म की नीड होती है और एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन समझते हो आप लोग, एक्रोसोम जो वो स्पर्म के टिप पर होता है उसके रिएक्शन से ओवम की जो वॉल होती है कोरोना रेडिएटा उसको रिमूव कराया जाता है, उसके बाद स्पर्म का हेड इंटर करता है। ये सब बातें मैंने आपको बताई है, याद होगा ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में क्या होने वाला है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस केस में एक ओवम लिया जाएगा फीमेल बॉडी से और एक स्पर्म फीमेल के सीमेन से एक स्पर्म को निकाल लिया जाएगा और दोनों जब हो जाएंगे तो उसके बाद स्पर्म को एक माइक्रोपिपेट के द्वारा इंसर्ट कराया जाएगा। किसके अंदर? ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर। ऐसा होता है इन केस ICSI में बेटा, बताना आपको ठीक ना। तो देखो क्लियर हो गया ना, जीट में आपका ऐसा नहीं होता, बस स्पर्म ओवम को मिक्स कर दिया जाते उसमें से मिनी स्पर्म होते हैं कोई एक फ्यूज कर जाता है, ऐसा होता है इन केस ऑफ जीट। बट इन केस ऑफ दिस ICSI ओनली वन ओवम एंड ओनली वन स्पर्म फ्यूज टूगेदर एंड स्पर्म इंटर इन साइड द साइटोप्लाज्म फॉर फ्यूजन, नो एक्रोसोमल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इन दिस केस दैट मीन्स ICSI। बट इन केस ऑफ जीट एक्रोसोमल रिएक्शन टेक्स प्लेस, याद रखना आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। तो आगे लिखेंगे, क्लियर हो गया ना, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ IBM। क्लियर हो गया ना। इसके बाद आप बताएंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रॉम फीमेल एंड ओवम ऑब्टेन एंड फ्रॉम मेल बॉडी सीमेन ऑब्टेन and from male body semen obtained after this only one sperm taken from semen and with the help of micropipette sperm inject in cytoplasm sperm inject in cytoplasm of ovum to form zygote and embryo. Lastly, embryo insert in
फीमेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी एंड इम्प्लांट इम्प्लांट इन यूटेरस इम्प्लांट इन यूटेरस। तो बेटा मैं पढ़ दे रहा हूं, देखो मैंने क्या बताया। फर्स्टली तो आपको क्लियर हो गया यह एक टाइप का आईवीएफ है, क्लियर हो गया है ना। इसके बाद इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में क्या क्या होता है, फीमेल से एक ओवम लिया जाता है, फीमेल बॉडी से ओवम का ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद मेल बॉडी से सीमेन ऑपरेट किया जाता है, उस सीमेन ऑपरेट किया जाता है। आफ्टर दिस ओनली वन स्पर्म टेकिंग फ्रॉम सीमेन, जो सीमेन कलेक्ट कर लेते हैं उसमें से एक स्पर्म लिया जाता है सीमेन से। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट के हेल्प से उसको स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में, ओवम के जो ओवम ऑप्टेन किया गया होता है। और उसके बाद टू फॉर्म जाइगोट, और जिससे क्या फॉर्म होता है जाइगोट बनने को। इसके बाद एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद क्या क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बनता है। और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसके बाद अंततः एम्ब्रियो को इंसर्ट किया जाता है फीमेल बॉडी में और इम्प्लांट हो जाता है एंड इम्प्लांट इन यूटेरस। और यूटेरस में क्या किया जाता है, या जो यूटेरस में ये एम्ब्रियो जाता है वो वहां पर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। ये पूरा आपके किस केस में किया जाता है बेटा, आप बताना ICSI में। कंफर्म हो गया ना, क्लियर। देखिए इसमें अगर आपको बताना हो तो ये हो गया ओवम, ठीक है, और ये आपका हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका माइक्रोपिपेट, और इस माइक्रोपिपेट के अंदर आपका इंसर्ट कर दिया जाएगा ये जो स्पर्म है, इसको यहां पर इंसर्ट करके और इसके थ्रू ये आपका माइक्रोपिपेट हो जाएगा। इसके थ्रू इंसर्ट कर दिया स्पर्म को फीमेल के ओवम के अंदर, फीमेल के ओवम के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। और ये फिगर है आपके इसका ICSI का, तो ऐसा किया जाता है। तो ये बातें आप बताएंगे तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये किस में किया जाता है, मैंने आपको शुरू में बताया, जिस फीमेल के जो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होते हैं वहां पर फर्टिलाइजर के चांसेस नहीं होते हैं, पॉसिबल नहीं होता है वहां पर, ये टेक्निक भी की जाती है। तो ये बातें आप बताओगे, इस तरीके से आपका जो लेसन है लेसन 4 ये अब कंप्लीट होता है। लेसन कंप्लीट हो गया, ओके। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टडी करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। चलिए उसको स्टार्ट किया जाए, उसके बारे में कुछ जाना जाए। नेक्स्ट यूनिट होगा यूनिट 2, जिसका नेम है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये आपका सेकेंड यूनिट है आपके क्लास 12 का, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें से हम लोग को आपके NCERT में ओनली 2 ही लेसन स्टडी करना है इस ईयर में। एक होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा होगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इवोल्यूशन इस बार आपको स्टडी नहीं करना है,
आपके जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30%, उसमें आपके इंजेक्शन लेसन को नहीं रखा है, तो इसलिए दो ही लेसन इस यूनिट में स्टडी करना है आपको। फर्स्ट जो लेसन स्टडी करना है, फर्स्ट लेसन वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और सेकंड जो आपको स्टडी करना है वो होगा आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो लेसन आपको स्टडी करना है इन सेकंड यूनिट दैट नेम इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आप लोगों ने क्लास 10 में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टडी किया है। अगर वो आप अच्छे से स्टडी किए हो तो ये लेसन आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आपको क्लास 10 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन टॉपिक कंफर्म रखना पड़ेगा, जिसमें आपको हेरिडिटी बताया गया होगा। हेरिडिटी क्या होता है याद है ना? तो चलिए हम लोग इस लेसन का एक दो टॉपिक जान लें। जो लेसन होगा आपका, अगर हम बात करें तो लेसन नंबर बात करें तो 5 होगा, जिसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके बेटा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हम ये लेसन स्टडी कर रहे हैं जिसका नेम है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लेसन का नेम है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनता है वेरिएशन क्या होता है। ये सब तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर्स, क्योंकि बेटा बिना कैरेक्टर्स के आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगे, या आप जो भी पढ़े हो लेकिन आपको क्लियर नहीं होगा। कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? जो भी फीचर्स ऑर्गेनिजम्स में, अगर मान लीजिए कि मैं हूं तो मेरे में जो फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वही फीचर्स जो होते हैं उनको हम क्या नेम देते हैं? कैरेक्टर। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कैरेक्टर, तो द फीचर्स विच वी सीन इन अ ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। और जैसे में वी हैव वन नोज, वी हैव टू ईयर, ये सब हमारे फीचर्स हैं, ये हमारे कैरेक्टर के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आपका स्किन का कलर, ये भी आपके फीचर में आता है। इसके बाद हेयर कलर, ये भी आपके फीचर्स में आता है। तो ये सभी आपको जानना है। जब तक ये नहीं जानते आप कैरेक्टर ही नहीं जानते बेटा, तो आप ये सब स्टडी करके भी कुछ नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए फीचर्स दैट मीन्स कैरेक्टर समझ में आना चाहिए। अगर कैरेक्टर क्लियर हो गया तो उसके बाद आपका टॉपिक चलता है हेरिडिटी। फर्स्ट टॉपिक इसमें यही आता है कि हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटी, और हेरिडिटी का मतलब क्या होता है आपको बताया गया होगा। हेरिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन हेरिटेबल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यह एक, अगर हेरिडिटी कोई पूछता है तो यह एक प्रोसेस है ट्रांसमिशन का। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन हेरिटेबल कैरेक्टर ऑफ द हेरिटेबल कैरेक्टर
फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जब कोई भी हेरिटेबल कैरेक्टर है, इनहेरिटेबल कैरेक्टर और हेरिटेबल कैरेक्टर, हेरिटेबल कैरेक्टर आप समझ रहे हो ना, जो आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने वाले कैरेक्टर होते हैं, जो आपके गैमेट्स में कैरेक्टर, आपके क्रोमोसोम में कैरेक्टर प्रेजेंट है और गैमेट्स के थ्रू जो जाते हैं और वो आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलते हैं, तो आपका होता है हेरिटेबल कैरेक्टर। तो इसी हेरिटेबल कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप आंसर दे सकते हैं हेरिडिटी के बारे में। ओके, तो हेरिडिटी क्लियर हो गया ना। सबसे पहले हम लोग हेरिडिटी जानते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, it is a process of transmission of heritable characters or traits from parents to their offspring progeny। तो जब पेरेंट्स के जो हेरिटेबल कैरेक्टर है, ट्रेट्स है, उसके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, तो उस जाने के प्रोसेस को हम किस नेम से जानते हैं बेटा, हेरिडिटी के नेम से जानते हैं। कंफर्म हो गया ना। जैसे एक बेबी का बर्थ होता है तो आप देखते हो घर में क्या लोग बोलते हैं, इसके नोज का जो स्ट्रक्चर है ना, इसके मदर से मैच कर रहा है, इसके आई का जो कलर है ना, इसके फादर से मैच कर रहा है, ये इसके फीचर्स होते हैं, ये ट्रेट होते हैं। और इसी ट्रेट का आपके पेरेंट्स से जब आप में आते हैं, तो इसी आने के प्रोसेस को हम किसमें स्टडी करते हैं, किस प्रोसेस के अंतर्गत ये आते हैं, वो आपका होता है हेरिडिटी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल इस लेसन के बारे में बताऊंगा। यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।